इज देयर नीड टू बी चेंज, और क्या वर्तमान में उसमें बदलाव की जरूरत है? हम लोग अब आगे देखेंगे। लिखे कि हमारा प्रस्तावना का शुरुआत होता है हम भारत के लोग से। अब प्रीएम्बल स्टार्ट्स विद द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन लिखे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट व्हाट काइंड ऑफ थिंग, किन चीजों को यह प्रदर्शित करता है? हम भारत के लोग किन चीजों को प्रदर्शित करता है? हम यहां पर बोर्ड में लिख दे रहे हैं कि हम भारत के लोग किन चीजों को, अगर ये एग्जाम में आता है मेंस में लिखने के लिए, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये पहला चीज बता रहा है। लिखिए सिंगल सिटीजनशिप, पहला बता रहा है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। अब देखिए अमेरिका का संविधान पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। लेकिन हमारे देश में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं है, हम भारत के लोग हैं। तो वहां पर तो बोल रहा है कि हम उस राज्य के आदमी है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो हम भारत के लोग हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह पूरी जमीन किसकी है, भारत की है। तो लिखिए लैंड इज ऑफ इंडिया, यह भारत की जमीन है, यह जमीन राज्य का नहीं है। अगर यह जमीन बिहार का होता तो झारखंड नहीं बनता, उत्तर प्रदेश का होता तो उत्तराखंड नहीं बनता। तो ये भारत सरकार की जमीन है, एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिफरेंट प्रोविंस में इसको बांट दिया गया। और इससे पता चलता है कि वन कैन फ्रीली मूव इन द कंट्री, एक व्यक्ति पूरे देश में कहीं भी जा सकता है, आप कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हैं। कुछ इसके अपवाद हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, झारखंड में आदिवासियों की जमीन नहीं खरीद सकते हैं। सीएनटी एसपीटी एक्ट 1908 ईस्वी का सीएनटी एक्ट था और 1949 ईस्वी का एसपीटी एक्ट था। जम्मू कश्मीर में नहीं खरीद सकते हैं, धारा 370 आप जानते होंगे, हम आगे उसे पढ़ाएंगे कि क्यों ऐसी व्यवस्था की गई है। तो एक व्यक्ति को भारत में अधिकार है, कहीं भी संपत्ति ले सकता है, वो बस सकता है, कहीं भी नौकरी कर सकता है। अब देखिए इससे भी पता चल रहा है ना कि भारत में ऑल इंडिया सर्विस होगा। अब ऑल इंडिया सर्विसेज में आप आईएएस बनिएगा तो ये ऑल इंडिया सर्विस हुआ। या फॉरेस्ट में डीएफओ का पोस्ट होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, ऑल इंडिया सर्विस में जा रहे हैं। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस होता है, देखिए इकोनॉमिक सर्विस भी है। इसी प्रकार से आप जूनियर लेवल में आइएगा तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट में चले गए, तो आप ऑल इंडिया सर्विस में, सीबीआई ऑल इंडिया सर्विस है, आप एक राज्य में नहीं, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ये चीज तब संभव हो रहा है, हमारा भी किसी से रिफ्लेक्शन हो गया है। और इसी कारण से आज पूरे भारत में देखिए सिंगल टैक्स सिस्टम आ गया। ये पॉसिबल इसलिए हुआ कि हमारा प्रस्तावना बोल रहा है कि हम भारत के लोग हैं। इससे आगे लिखे, इससे पता चलता है रिसोर्सेज का, जो हमारा संसाधन है रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज सरकार की है। नदी का पानी, बालू, माउंटेन, जंगल, ये सारा चीज गवर्नमेंट का है। और हम जब बोलते हैं
कि हम भारत के लोग हैं। अब देखिए, कोई कभी ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मॉल खोले हैं आप, दुकान खोले हैं आप, तो सरकार को टैक्स क्यों दे, ड्यूटी आप कर रहे हैं। तो इसको जब समझिएगा कि ड्यूटी जो कर रहे हैं तो ये संसाधन, आप भी एक संसाधन है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव भी एक संसाधन। तो हम दुकान खोलते हैं तो सामान किसको बेचते हैं, भारत के लोग को बेच रहे हैं ना। तो भारत के लोग आप इसलिए कि भारत स्वतंत्र देश है, तब ना आपका राइट्स है, आपके अधिकार है। तो अगर हम क्लासेस चला रहे हैं तो ये स्टूडेंट भारत का है, तो रिसोर्सेज हम भारत से लिए। आप एक अच्छा पर्यावरण लेते हैं, आप पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ये पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आपको किसने दिया, भारत सरकार ने दिया। सारा चीज हमारा, आप जो आज सनलाइट जो हम लोग सुबह से पहले किरण से लेकर शाम तक, तो आज हम अगर गुलाम देश होते, स्लेव कंट्री होते, तो क्या हम ये एंजॉय कर सकते थे कि जब आपको इच्छा करता है स्ट्राइक करते हैं। बहुत जगह पर तो ऐसा है कि कॉलेज स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, 1-1 लाख पेमेंट मिलता है, फिर भी स्ट्राइक करते हैं, डेमोक्रेसी है। लेकिन आज हम लोग ब्रिटिश सरकार के अंदर रहते तो क्या ये स्ट्राइक कर सकते थे, एक एक व्यक्ति की करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी छुपा छुपा करके रखे। आप सैलरी से ज्यादा इनकम आप देखते होंगे भारत में मैक्सिमम लोगों का, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप अपने राइट्स को मिस यूज करें। तो हमको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम भारत के लोग जो हैं, इससे पता चल रहा है कि एक कानून होगा, देखिए सिंगल लॉ। यही कारण है कि पूरे भारत में एक कानून है और एक जैसा पेमेंट सिस्टम है इंडिया में। गवर्नमेंट की जो रेट होती है डेली काम करने वाले मजदूरों की, ये एक जैसा है। और इसको थोड़ा सा डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया हुआ है। एक दो लाइन सिर्फ उसके बारे में बता देते हैं कि डायरेक्टिव का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को संविधान ने डायरेक्शन दिया है। और डायरेक्शन क्यों दिया है, हमारा एम आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका वेलफेयर होना चाहिए। डायरेक्टिव इंप्लीमेंट जिस दिन हो जाएगा उस दिन देश की हर प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाएगी। जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है देश में, हाउ टू इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट। गरीबों के लिए आता है राशन, आता है सारा कुछ है, बट वहां तक जाएगा कैसे, तो आप ब्यूरोक्रेसी में बैठिएगा, आप कार्यपालिका का अंग बनिएगा, सही लोगों तक वो चीजें जाए। और जिस दिन ये होगा सक्सेस कर जाएगा, डेवलप कर जाएगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करना है। अब अमेरिका जाइएगा, वहां हर राज्य का कानून अलग अलग है, वहां आप देश के नागरिक नहीं है। हम लोग जब आप फॉर्म भरते हैं ना सिटीजनशिप, तो क्या लिखते हैं, इंडियन। लेकिन अमेरिका में बताना पड़ता है कि हम कैलिफोर्निया के भी नागरिक हैं और यूएसए के भी नागरिक हैं। हर राज्य में सजा भी अलग अलग है, हर राज्य की सैलरी सिस्टम अलग अलग है, गवर्नमेंट का ही, हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में सिंगल सिटीजन सिख को लाया गया, एक प्रकार की सैलरी सिस्टम, एक प्रकार का कानून है और कोई विभेद नहीं किया जाता है। लिखिए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया ऑल्सो थिंक अबाउट सोशलिज्म, ये समाजवाद के बारे में भी सोचता है। एंड व्हाट इज सोशलिज्म, तो लिखिए इक्वालिटी, द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म इज इक्वालिटी। इसका अर्थ है कि वेन देयर इज ए मिनिमम गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, नो कास्टिज्म इज देयर, नो रिलीजियस इशू इज देयर, कुछ भी नहीं होगा तो समाजवाद आएगा, सब कुछ
जब सबको इकबाल हो गया, जब सबको इकबाल होंगे तब क्या बोलेंगे कि देश में क्या आ रहा है, समाजवाद आ रहा है, यही मीनिंग होता है। और हमारा गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखिएगा पूरे प्रियम्बल के हर शब्द पे नजर डालेंगे तो मेन उद्देश्य यही है कि समाजवाद लाना लेते। ये भी एक साल यूपीएससी में आया है कि हमारा प्रियम्बल क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो वो करता है समाजवाद को, सोशलिज्म को। जब सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, हर कोई खुश रहेंगे। भूटान एक ऐसा देश है जहां पर हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला जाता है, भी आईएएस में आएगा क्वेश्चन। उसकी जीडीपी, हमारी जीडीपी तो डेवलपमेंट में देखते हैं ना, भूटान का जीडीपी कैसे निकालते हैं, लोग खुश कितना रहते हैं। आप अगर हर प्रकार से सुखी संपन्न होंगे तो खुश रहिएगा, तो हैप्पीनेस इंडेक्स निकाल लीजिए देश का, तो खुशी, सारे लोग खुश हैं देश के, तो मतलब आपके जीवन में दुख कम है। अब इसको इसको दो तीन प्रकार, एक तो आपको या तो डेवलपमेंट हो जाए, या फिर गौतम बुद्ध ने एक सोशल रिवोल्यूशन किया था, उन्होंने क्या बोला था कि मैन इज फुल ऑफ सॉरो एंड द कॉजेज इज डिजायरनेस, एंड इफ यू कंक्वेयर योर डिजायरनेस यू विल कंक्वेयर द सॉरोनेस। मनुष्य का जीवन ही दुख से भरा, और कारण क्या, इच्छा शक्ति। अब आपको कुछ बनना है, आपको एसपी बनना था डीएसपी बन गए, दुखी रहिएगा। आपको डीसी बनना था बीडीओ बन गए, दुखी रहिएगा। हर किसी को जीवन में कुछ ना कुछ चाहिए, तो आप देखिएगा सारे लोग भारत में दुखी रहते हैं। आप किसी से पूछिए तो बोलेगा मेरा मकान जैसा सोचे तो वैसा बनाए नहीं। बच्चा से जो उम्मीद था, सारे पिताजी को लगता है कि उसका बच्चा और बच्ची क्लास में फर्स्ट होना चाहिए, सेकेंड कोई नहीं, लेकिन क्लास में फर्स्ट है कि आदमी होगा, सारे लोग दुखी जब रिजल्ट निकलता है। सारे पेरेंट्स को देखिए दुखी रहते हैं, क्यों बोलते फर्स्ट नहीं हुआ। अब उनको कौन समझाए कि सर फर्स्ट तो एक ही आदमी ना होगा। तो ये गौतम बुद्ध ने कहा कि आप जिस दिन इच्छा छोड़ दीजिएगा तो आप सुखी हो जाएंगे, और यही कारण था कि सोशल रिवोल्यूशन उन्होंने किया और जो इतना सक्सेस हुआ। भारत में उतना नहीं है, लेकिन चाइना, जापान, श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, बर्मा, सारे भूटान, नेपाल, सारे देश में देख के बहुत ही सब, कारण इसका ही था। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से हमको क्या पता चल रहा है, इक्वालिटी कैसे आएगा, तो लिखिए थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट विल गिव द डेवलपमेंट प्रोग्राम टू ऑल द पीपल। संविधान के द्वारा सरकार सारे लोगों को हर सुविधा देगी। इक्विटी प्रिंसिपल्स में भी हमारा दिया हुआ है, लेकिन वहां एक चीज समझना है कि आपको सुविधा तब देंगे जब हमारे पास होगा। सो इफ देयर इज ए अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज गवर्नमेंट विल गिव यू। जैसे आज 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 बच्चों को स्कूल में सरकार खाना देती है ना, सरकारी स्कूल में मिड डे मील स्कीम, कभी कभी उसमें बीच में उसका रूटीन चार्ज भी ए में दिया हुआ, ये 86 अमेंडमेंट से हुआ था, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, 86वां संविधान संशोधन से हुआ था कि 6 से 14 साल के बच्चे को पढ़ना अनिवार्य शिक्षा फ्री में देना है, गवर्नमेंट स्कूल पैसा नहीं लेती इसलिए। लेकिन आप अगर बोलिएगा कि हमको महंगा स्कूल में पढ़ना